बन गई ना, उसमें हम कितनी पहुंच बना सके, उनसे कितना दोस्ताना कर सके। हरियाणा के लगभग 95 से 96 या इससे अभाव हो सकता है, लोगों की मेंटेलिटी ये है कि जो सरकार बन गई उससे हम कितनी नजदीकी बना लें, सिर्फ ये है उनकी राजनीति। और उन्हें कोई आंदोलन या कोई सुधार या कोई मांग, मतलब वो एक शेर भी है, बड़ा मशहूर शेर है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह पाऊंगा लेकिन उसका मुलाज समझ में आ जाएगा। उसमें इस तरह से कहा गया है कि इतना मतलब दर्द, इतना दुख, तकलीफ कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं लेकिन उफ तक नहीं कह रहे हैं। ये हरियाणा है, कितना ही उनसे लूट लो, वसूल लो, टैक्स लगा लो, भ्रष्टाचार, CLU इंडस्ट्री चली है हरियाणा में तो पूरी, लेकिन हरियाणा का आदमी अपोज नहीं करता, पता नहीं क्या बात। वो तो उस सरकार के ही क्लोज होना है, मैंने उससे कितना क्लोज होके क्या बेनिफिट ले लूँ और उसको कुछ दे दूँ, ये है वहाँ की राजनीति का जो हमने अब तक देखा। तो मैंने सोचा यार अब ये हमारी हरियाणा में तो रिसेंटली ही फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनी है BJP की, पूर्ण बहुमत से पूरे 5 साल रहेगी, 4.5 साल बच रहे हैं, कौन हमारे साथ आएगा। मतलब बिल्कुल ये सोच के मेरे शरीर की जान निकल गई, हिम्मत नहीं हुई पैर घर से लेके चलूं और किसी के पास जाके क्या बात करूं। लेकिन फिर भी सोचा यार योगेंद्र जी हमारे लोग तो, जो मैंने जो सोचा, जो मेरे दिमाग में आया, लोग तो आज इतने स्मार्ट हैं कि कूड़ा बेच जाते हैं, मिट्टी बेच जाते हैं, नकली चीजें बेच जाते हैं, चाइना बेच रहा है, हमारे पास तो हीरा है, हम हीरे को भी अगर नहीं बेच पाएंगे ना। मेरे दिमाग में आया तो मैं घर से उठ के चला, और हम बहुत खराब सेल्समैन है अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो। जो कांग्रेस के लोग हैं या मोदी के लोग, उन्होंने उनको बेच दिया ना। लेकिन चलो, जो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कई जगह सुना है कि जो कठिन रास्ता होता है ना वो शुरू में ज्यादा कठिन होता है, बाद में आसान होता है, लेकिन जो बदमाश या गलत रास्ते होते हैं वो शुरू में बहुत आसान होते हैं लेकिन वो बाद में, जिनके मंत्री फंसते रहते हैं, जेल में जाना और स्कैम, उनके पता नहीं क्या क्या पीछे लग रहे हैं, सबके नॉलेज में होती है। तो हो सकता है हमारा स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है लेकिन आगे हमारा अच्छा रहेगा फ्यूचर। तो ये सोच के मैं चल दिया घर से, फिर उसके बाद चल तो दिया, लेकिन भगवान की मेहरबानी थी कि मुझे इतनी अच्छी, ये मेरी माताएं कह लूँ, बहनें कह लूँ, इनका इतना कोऑपरेशन मुझे मिलता है, पुरुषों का इतना नहीं मिलता, इतना इनका मिलता, हमेशा रेडी रहती, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू में जब हमारा इतना इंट्रेक्शन लेवल इतना नहीं बढ़ा था तो मुझे कहना पड़ता था बहन जी ये कर लें या वो कर लें, अब तो ये हो गया, ये मुझे उससे पहले प्लान बना के तैयार रखते, रविंद्र भाई ये करना है। और एक और हमने अच्छा क्या कर लिया कि हमारे जो वर्किंग है ना, जो मतलब लगभग हमारी स्ट्रेंथ 25 लोगों की है, 27-28 लोगों की है एक डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी, तो एक्टिविटी बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, अच्छा, उसमें से हम लगभग 20 लोग व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, स्वराज अभियान रेवाड़ी, हम व्हाट्सएप पे हैं, कुछ 5-7 बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं है, उनको हम फोन करके बता देते हैं जो चीज़ फाइनल होती है। तो हम 20 लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, जिसके जो मन में होता है वो व्हाट्सएप पे डाल देता है, भाई सुबह चलेंगे 5 बजे मिलूंगा, दूसरा कहता है हाँ ठीक है मैं भी मिल जाऊंगा, प्रोग्राम तो ऐसे बन जाता है अपने आप, स्पेशली कोई प्रोग्राम बनाने के लिए ना मीटिंग करनी पड़ती है ना किसी को फोन करना पड़ता है, अपने आप प्रोग्राम बन जाता है, रूटीन वो हो गया, जिसने जाना होता है वही व्हाट्सएप डालता है, अभी मैं चलूंगा सुबह 5 बजे वहाँ मिलूंगा, एक ठिकाना है हमारा, वहीं इकट्ठे होते और सुबह वहाँ जितने लोग आ गए वो चलते, कभी ज़्यादा हो गए तो कोई व्हीकल का रेंज एक्स्ट्रा करना पड़ता है, थोड़ा रूटीन में जो होते हैं 10, 8, 12 दो व्हीकल निकल गई, कभी 6 भी रह जाते हैं, एक आध बार ऐसा भी हो जाता है कि आज भाई कैंसिल हो गया, कोई भी नहीं आया, कोई कारण ऐसा होता, लेकिन इस सब में हमारी एनर्जी बिल्कुल नहीं लगती। तो पहले जो होता था कि हमारी बहुत एनर्जी लगती थी टीम बनाने में, किस गाँव में जाना है, क्या करना है, वेरी स्टार्टिंग शुरू में ही हमने 6-7 टीमें बनाई, जब हमने काम शुरू किया जब ऐसे किया कि जो हम 6-7 लोग रोज जाने वाले हैं उन 6-7 के लीड में 6-7 आदमियों की टीम डिवाइड कर दी। तो वो लोग एक एक दो दिन या 3-4 दिन आए थे, उन्होंने आना छोड़ दिया, फिर हम वही 7 या 8 या 10 लोग बच गए जो रोज वाले थे। तो फिर हम सारे क्लब कर गए आपस में, सारी अलग अलग टीमें काम ना करके हम इकट्ठे हो जाते हैं एक पॉइंट पे, सारे इकट्ठे होंगे, अलग अलग प्रोग्राम चलाओ और हम चल देंगे गांव में। और फिर हमने उसके बाद ये चेंज किया, पहले हम एक ही रूट पे लगे हुए थे, फिर हमने रूट बदल बदल के स्टार्ट कर दिया ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पता लगे, जैसे रेवाड़ी से ना 6-7 मेन रोड बाहर निकलते हैं रेवाड़ी जिला, उसमें 6 अलग अलग डायरेक्शन में,
तो आज इस रोड पे, आज इस रोड पे, अलग अलग रोड पे हमने काम करना शुरू किया ताकि सब तरफ मैसेज चला जाए, आते जाते रस्तों में पर्चे वर्चे पकड़ाना। और जो जिस पर्टिकुलर पांच गांव में काम करी है, उन पांच गांव के लोगों का अगल बगल के पांच गांव में उठना बैठना है, जो कॉमन एक अड्डा होता है, अड्डे पे डिस्कशन शुरू, स्टैंड होता है ना, तो ये भी स्ट्रेटजी हमारी ठीक रही। हमें काफ़ी लोगों ने फिर कहा कि भाई स्वराज का काम काफ़ी चल रहा है। कुछ एक दो काम हमने ऐसे भी किए हैं जो जिसमें आप लोगों की बिल्कुल रजामंदी नहीं थी, वो हमने समझ लो स्वराज समझ लो, हमने ये संकल्प लो भाई, हम अपना गांव उजड़ने नहीं देंगे, उसमें भी लिखा हुआ है हम अपना गांव उजड़ने नहीं देंगे। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें दो कॉलम बनाए हुए हैं, उसमें हम गांव का नाम ही देते हैं, ठीक है, और ये गांव के लोगों के सिग्नेचर है, इसका नाम और सिग्नेचर लेनी है गांव की, वो हमने अभी नहीं लिए। हमने ये सोचा है कि जो हम गांव में एक्टिव वॉलंटियर ढूंढ रहे हैं, हम उनको कॉलिंग चल रही है हमारी, जो हम डाटा लेके आते हैं हमारे ऑफिस से, उनको कॉलिंग कही जा रही है, और हम उन गांव के लड़कों को, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने गांव में कलश लेके, गांव के मौजूद लोगों को लेके, और जिस दिन ये प्रोग्राम रखोगे, बात करो गांव में, हमारे यहाँ से भी कोई ना कोई आएगा, एक आदमी या दो आदमी जरूर आएंगे, और एक प्रोग्राम रखा है, मतलब गाँव में एक उत्सव की तरह बनाएंगे, कलश उत्सव, आप गांव में बात करो, और तब उस कलश में गांव के लोगों से, हम नहीं जाएंगे, हम तो 10 आदमी हैं, गए गांव में ताश खेलने वालों के पास, फोटो खींच लाए, हम गए, हम ही मिट्टी ले आए, उनसे कई गांव की मिट्टी डाल दो, गांव वालों में तुम घूमो भाई, और कलश तैयार करके दो, जिस दिन तुम कहोगे हाँ आज आ जाओगे, उस दिन हम आएंगे, और हमारा एक दो ही आदमी आएगा, तुम लोगों की प्रेजेंस में उसकी फोटो खींच के दो कलश लेके आए, उनको बोल रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये मिट्टी और कलश हम लेके जाएंगे, हमने तैयार कर रखी, आप गांव में सिर्फ बात करो इसके पास। और हम जब ये साइन कराने गए उस दिन, हम वो इन्हीं लोगों से मिट्टी भी डलवा सकते थे, बट हम वो काम उनपे, उनको जिम्मेवारी दे रहे हैं, ठीक है, भाई कोई पहचान हो, कोई आदमी आइडेंटिफाई हो जाएगी, ये बोलता ही बोलता नहीं है, ये करना भी चाहता है, सिर्फ वर्बल वॉलंटियर नहीं है, ये एक्टिव है, तो ये थोड़ी पहचान हो जाएगी, और जहाँ से ऐसा नहीं हो पाया फिर हम चले जाएंगे आस पास में। एक एक चीज, एक बेनिफिट हमारा ये भी है, जो हमारी 20-25-27 लोगों की जो एक्टिव टीम है, वो इस तरह से बटी हुई है, वो अलग अलग एरिया से है, वो 5-7-10 गांव का टच हो इजीली कर सकते हैं। जिस गांव का आप लोग कलश लाएंगे, वहां से एक एक आदमी को बोलिएगा कि उसे लाए जाओ। कोशिश तो है, बट जो मैंने शुरू में अपनी स्टार्ट ही इसी बात से किया था कि हरियाणा का आदमी राजनीति का नाम समझता है कि हट्टर, या फिर उसकी कैबिनेट, या फिर उसका विधायक, या फिर उसका मेयर, या फिर उसका सरपंच, उनसे मेरी जान पहचान, उनसे मेरी दोस्ती, इंद्रजीत सिंह राव, इंद्रजीत सिंह साहब कुछ नहीं कर रहे, हमें दर्शन भी नहीं देते, वहाँ साहब हमारे लिए काम भी नहीं करते, और अगर हमें वो कुछ भी कर लेंगे, हम तो वोट तो भाई उसको ही देंगे। मैंने कहा जैसा क्यों, क्योंकि आप बंद बंद छोड़ रहे हैं उनसे, आप सोचो, आप इस चीज़ को, इस चीज़ से बाहर आइए, और उनको ये ऐसे विचार को छोड़ करके सोचिए, देश के बारे में सोचिए। तो यहाँ तक लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि देखो हम तो दो घूमी को देंगे, क्या वो कुछ काम करें। 6 बजने से 5 मिनट पहले गांव में पहुँचे, इस गांव में पहुँचना है, क्योंकि मौसम दोपहरी का मौसम होता है, लोग भी घरों में घुस जाते हैं, इसलिए हमने ये सुबह 6 से 9 या कभी टाइम ज़्यादा लगे तो 9:30-10 बजे हमारा आइडियल हमने टाइम ले रखा है, डेली सुबह 6 से 9। उसमें कुछ हमारे जैसे वर्किंग साथी हैं, वो भी 2 घंटा करा के 8 बजे फिर वो निकल जाते हैं, हम जा रहे हैं अपना बाइक वगैरह, तो हम 6 बजे गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, हम जैसे गांव की जो 2-3 गलियां हैं ना, हर गली में 2-2 आदमी हो जाते हैं, 2 आदमी इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, दोनों आदमी अपनी एक एक रोल ले लेता है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। लेफ्ट वाला घर नोक किया, गाँव में जनरली घर खुले होते हैं, अंदर घुस गए, लोग या तो अपने पशुओं का काम कर रहे होते, लेडीज कर रही होती, जेंट्स बैठे होते हैं, तो वहाँ जाके राम शाम राम शाम किया, उनको हमारा इसके बारे में बताया। कुछ लोग तो इतने मतलब क्या कहूँ, उनको अनअवेयर है कि उनको कुछ समझ में नहीं, वो सिर्फ यही बोलते हैं वोटा हमारा आया से के? वोट आजकल हमारे वहाँ ना सरपंच, सरपंच, जिला परिषद, जिला पार्षद, इस तरह के लोकल चुनाव होने, तो 95% लोग आते हैं, बोलते हैं इनको भी काम से वोटा आया, लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उनका कहने का मतलब ये अपनी वोट के लिए आए हैं, ये चुनाव होने उनके लिए आए हैं,
तो फिर हम बताते हैं नहीं जी हम उसके लिए नहीं आए हैं, वो तो वोट तो आप ले गए बेवकूफ बना के, वो आए थे ना 6 महीने पहले और 1 साल पहले वो मोदी वाले लोग ले गए। हाँ वोट, फिर वो सोचते हैं हाँ वोट तो ले गए, हम वोट लेने नहीं आए हैं, हम तो आपसे बात करने आए हैं और ये आपके साथ जो जो हो रहा है, एक हमारे यहाँ ना अभी पीछे ओले वोले बहुत गिरे थे और मुआवजे की ऐसी बंदरवाट हुई है, बहुत बुरी बंदरवाट हुई है, जो वेल नोन लोग हैं या रेपुटेड लोग हैं समाज के, तथाकथित लोग हैं, दबंग लोग हैं, उसने अपनी जमीन पे ईंट का भट्टा लगा रखा है, उस जमीन का भी मुआवजा मिल गया कि फसल खराब हो गई, और जो कोई योगेंद्र जी के समर्थक हैं बेचारे हैं उसकी तो फसल खराब भी हुई है तो उसका कहीं नहीं चढ़ी गिरदाव नहीं, किसने कोई नहीं रखी थी भाई साहब, तो इतनी भारी बंदरवाट हुई है कि जिस से भी डिस्कस कर लो माँ मुआवजा मिल गो वो शुरू हो जाएंगे, अरे भाई कैसा मुआवजो मेरी भाण से पोसड़ी वह तो मिल गो हमने ना मिलो, पर उनका तो फसल भी खराब ना हुई हमारी सारी खराब होगी, क्यों वहाँ पोसड़ी का एक लोकल स्टेट मिनिस्टर बना है उसने पोसड़ी के आसपास में तो सबका ही दिला दिया, उसके नियर अबाउट जो 5-7-10 गांव थे ना पेची पकड़ बनाने के लिए हर रकबे का उसने मुआवजा दिलवा, ये पूरा पूरा 100%। तो जहाँ भी जाओ पोसड़ी का एग्जाम्पल तुरंत देते हैं, वो हमारी रिश्तेदारी है पोसड़ी, तो वहाँ से फिर वो उन्हें लगता है कि ये वोट बांट का चक्कर नहीं है, तो कुछ हमारे फायदे की बात कर रहे हैं मुआवजे की बात कर रहे हैं, वरना मुआवजे की बात कोई नहीं करता उनसे। फिर वो तुरंत ये कहते हैं अगला क्वेश्चन यही मारते हैं हमारे ऊपर कि भाई मुआवजा दिवा दो तुम भाई मुआवजा दिवा दो तुम्हारे साथ। फिर हम उन्हें समझाते हैं, एक मौका मिल जाता है बात करने का, हमें नेग्लेक्ट ना करें हमारी बात को सुने, फिर वो सुनेगी वैसे नहीं सुनते, फिर हम उसको बताते हैं जी मुआवजा मिल जाएगा हम लोगों को, एक होना पड़ेगा किसान को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम किसानों की संख्या ही नहीं है, इतना हमारा पावर है इतना हमारा हिस्सा है और किसान को लूट के ही तो ये सब कुछ चल रहा है, जो दो चार बातें एक भी सोना इतना बढ़ गया, खेत की कीमत इतनी बढ़ गई, प्रॉपर्टी प्लॉट की कीमत इतनी बढ़ गई, हमारी ज़मीन आज एक्वायर होती उसमें 100 गज का प्लाट भी नहीं आता शहर में तो, और कांग्रेस ने कुछ अच्छा थोड़ा बहुत जो भूमि अधिग्रहण बिल की 2-3 बातें बता देते हैं, 4 गुना रेट की बात हुई थी खट्टर साहब ने, हमारे सीएम साहब ने वो भी आधी कर दी, 2-3 लोकल पॉइंट हमारे ऐसे हैं, एक तो हमारे सीएम साहब ने मुआवजे की उसमें कैलकुलेशन में हेर फेर करके ना वो आधा कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 4 होता था वो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया उसको चुपचाप एक तो अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने, एक उन्होंने जो किसानों का करेक्शन होता था बिजली का उस पर पहले जितना पैसा लगता था उस पर 1 लाख ऐड कर दिया, 1 लाख रुपये सर बढ़ा दिया है किसान को, ये तो हम ये बोलते हैं कि किसान को तोहफा दिया है मोदी सरकार डॉक्टर साहब ने, आपको गिफ्ट दिया है, एक तो यूरिया की बड़ी भारी मार हमारी हुई थी इस बार, वो भी उनको याद दिलाते हैं यूरिया कभी नहीं ऐसा हुआ कि कम पड़ा हो, ब्लैक में बिकाए तो देखो आपने तो यूरिया का घोटाला कर दिया, तो बीजेपी वाले भूखे आए थोड़े यार पेट भर लेंगे, एक आध करोड़ कोई नहीं यूरिया किया है 1 करोड़ कर लेंगे थोड़ा पेट भर जाएगा फिर आगे नहीं होगा ऐसा, हम उसको कॉमिक वे में ऐसा करते हैं, तो जो आदमी हमसे इंटरेस्ट लेता है फिर हम उनके आप उनसे जुड़ना चाहते हो हम आपके पास SMS भेज सकते हैं आगे इस प्रोग्राम के बारे में, योगेंद्र जी योगेंद्र त्यार भलो आदमी है भला बेचारा, और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं कहते हैं आम आदमी हाथ काट दियो भाई इनकी भी तो कर रहे तो आम आदमी से निकाल दिया कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इस तरह की बातें होती है, लेकिन वही जब से जब उठ के चले थे कि गीता में लिखा हुआ है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो हम अपना कर्म जैसे कर रहे हैं वो बता दिया है, और बहुत ज़्यादा ये उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ी पब्लिक हमारे साथ 10 तारीख को आएगी। रविंद्र जी आप तो कितने घंटे लगाते हैं एक गांव में, एक गांव में अगर हमारी 6-7 लोगों की टीम हो तो मैक्सिमम 2 घंटे में गांव होता, छोटे गांव में जो 500 से 1000 का, जो बड़ा गांव होता है 3-4 हज़ार का उसमें हम जब उस दिन करने जाते हैं जिस दिन हमारी 15 या 20 की नब्बी हो तो फिर 3-4 घंटा लग जाता है उस गाँव में, एक ही हो जाता है वो बड़े वाला, बड़े गांव बहुत छोटे हैं वहाँ पूरे रेवाड़ी में 15 बड़े गांव होंगे बाकी ज़्यादा छोटे साइज के गांव 500 से 1000। शाम को दोबारा जाते हो? शाम को भी टीम जाती है और 5 बजे का टाइम है शाम बड़ी का 5-4:30, कभी मौसम अच्छा होता है तो 4 भी रहते हैं, धूप ज़्यादा होती है तो 5 का 5:30 भी रहता है, 8 बजे तक शाम को 2-3 घंटे शाम वाली टीम काम करते हैं, यही सेम होती है व्हाट्सएप पे डल जाता है सब, हाँ भाई एक मिनट डाल दिए पोस्ट, हाँ भाई शाम को क्या है किसी दूसरे डाल दिया मैं चल रहा हूँ, हाँ वहीं पे कितने बजे इकट्ठे होंगे, राजबाला जी बहन कुसुमलता जी और सत प्रकाश साहब, एक दो साथी हो रहे विनोद भाई है बिजली वाले बिजली के मैकेनिक
इनकी कोई छुट्टी नहीं है, ये एवर प्रेजेंट रहते हैं ऐसे करके हमारा।